फायर स्पेल। अब हम हवन तो करते ही हैं। फायर की क्या प्रॉपर्टी होती है? फायर ऊपर उठती है। जो मैसेज हम भगवान के पास पहुंचाना चाहते हैं वो आप फायर में उसको जला दो। अब हम बेली का रिचुअल करेंगे। हम क्या करते हैं, बेली पे जो हम विषय बेली पे लिखते हैं उसको जला देते हैं यूनिवर्स के पास मैसेज पहुंचाने के लिए। यूनिवर्स, दिस इज माय मैसेज, प्लीज रिसीव इट। और जिन चीजों को खत्म करना होता है उनको हम गाड़ते हैं जमीन के अंदर। जिन चीजों को हमें यूनिवर्स के अंदर मैसेज पहुंचाना होता है उनको हम फायर में बर्न कर देते हैं, बिकॉज फायर वो ऊपर उठती है और मैसेजेस पहुंचाती है। ठीक है, सिंपल इसका फंडा समझे आप। फायर क्या करती है? फायर, देखिए फायर किसके अगेंस्ट काम कर रही है? ग्रेविटी के अगेंस्ट। सारी चीजें ग्रेविटी से काम करती है, लेकिन सिर्फ फायर एक ऐसी चीज है जो अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रही है। वो चीजों को ऊपर लेके जा रही है। फायर के ऊपर नेचर का ये वाला लॉ नहीं चलता। तो हमें जो चीज पहुंचाना है यूनिवर्स के अंदर वो फायर के अंदर आप जाएंगे। मतलब इसीलिए हवन का सिस्टम चला था, क्योंकि ऋषि मुनियों को मालूम था फायर वर्क्स अगेंस्ट दी ग्रेविटी। वो सारे मैसेजेस तो हम देवताओं को अर्पण करते हैं ना, उनके जो भी चीजें हवन के अंदर अर्पण करते हैं ना, इसीलिए अर्पण करते हैं क्योंकि वो बेसिकली उनको पहुंचता है। बिकॉज फायर क्या करती है, उसको ऊपर मूवमेंट देती है और जो एयर होती है उसको ट्रांसपोर्ट करती है। सिंपल, ठीक है। राइट और मेक अ सिंबल ऑफ योर नीड ऑन अ पीस ऑफ पेपर कट इनटू ट्रायंगल। अच्छा, अब इसके अंदर हमें ट्रायंगल इसलिए कट किया क्योंकि फायर एलिमेंट के लिए। While visualizing your need, place the appropriate enchanted herbs in it. हमें क्या करना है, पेपर लेना है, ट्रायंगुलर उसमें कट करना है, उसके ऊपर अपनी नीड लिख देनी है, enchanted herbs लेने हैं, उसके अंदर रख देने हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ द पेपर। क्रम्बल इट टाइटली दैट द हर्ब्स आर ट्रैप्ड इनसाइड द पेपर। उसके साथ अपना कोई भी हर्बल ऑयल जो भी आप उसको अनॉइट कर सकते हैं। बिल्ड अ रोरिंग फायर, मतलब आपको एक जैसे हवन कुंड टाइप बनाना है और उसके अंदर आपको इसे डाल देना है। बहुत बहुत मतलब अच्छा है, हर चीज अच्छी है। आप जो करना चाहे वो कीजिए, आपके पास जो अवेलेबल वो कीजिए। कुछ अवेलेबल नहीं है तो हवा में मैसेज छोड़ दीजिए। फायर अवेलेबल है तो फायर स्पेल कर लीजिए, मिट्टी है तो मिट्टी का स्पेल कर लीजिए, पानी है तो पानी का स्पेल कर लीजिए। किसी भी चीज का स्पेल कीजिए। यू आर अवेलेबल विद अबंडेंट ऑफ दीज थिंग्स। आपके पास पानी भी है, एयर भी है, मिट्टी भी है, राइट, फायर भी है, सब कुछ है। किसी भी चीज के